2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਮਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। इसमें आदमपुर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों के घूमने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। गोली मारी पर पुलिस ने जंगल की घेराबंदी करके की और इसी में एक पुलिस पार्टी से बदमाशों का आमना सामना हुआ। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्यवाही में एक अपराधी को गोली लगी। अपराधी को अस्पताल लाया गया है और उसे मृत घोषित किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा। मेरे गनर को भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। अभी जो अपराधी मृत हुआ है उसकी शिनाख्त कमल के रूप में की गई है, जो कि अभी संभल से पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए थे और इन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी अभी तलाशी चल रही है वहाँ पे और कार्रवाई की जा रही है।